हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमीदी के एडिक्टेड इंटेंस का। आई नो लाइटिंग बहुत ज़्यादा शानदार मैंने आज लगाई नहीं है, बट स्टिल यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। ये हमारी बॉटल है यार, आई थिंक उल्टी आ रही है बट ठीक है। ये इसका कैप है, द कैप इज़ वेरी हैवी, इट्स अ हैवी मेटल कैप, तो काफ़ी हैवी कैप है। ये आपका स्प्रेयर आ गया, बाकी बॉटल काफ़ी प्लेन है। अब हमीदी जो ब्रांड है, दिस इज़ बेसिकली अ सब ब्रांड ऑफ स्टर्लिंग परफ्यूम्स ओनली। ये दोनों ही कंपनी बेसिकली अरमाफ और ये इनकी कंपनी सेम है, इनके अंदर ये दो ब्रांड्स हैं, एक अरमाफ आता है और एक आता है हमारा हमीदी। नाउ दिस परफ्यूम इज ऑब्वियसली अ क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस। कोई भी जो क्रीड एवेंटस का क्लोन बनता है आजकल, वो इस टाइप की बॉटल में आ जाता है एंड यू इमीडिएटली कैन गेस कि भाई ये किस चीज़ का क्लोन है। नाउ आई हैव हैड इनफ टाइम विद दिस परफ्यूम, ठीक है। आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट महीना या महीने भर से ऊपर हो गया होगा इस परफ्यूम को लिए हुए। मैंने ये परफ्यूम अंकुर भाई से लिया था, विच इज़ मॉम परफ्यूम्स। इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट मिडल ईस्ट परफ्यूम्स आई नो कि ही सेल्स एवरीथिंग जेन्युइन, तो वहाँ से मैंने करीब 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब करीब लिया था मैंने। और यहाँ पे अभी इसका ऑलमोस्ट ड्राई डाउन चल गया, मैंने सिर्फ एक स्प्रे किया है। इन टर्म्स ऑफ स्मेल अगर मैं आपको बताऊं, एक स्प्रे मैं आपको करके दिखाता हूं, तो ठीक है, अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूट अच्छा करता है, नॉन अल्कोहलिक है, वाटर बेस्ड ये परफ्यूम है। बहुत ज्यादा हाइप है इसकी, क्या ये उस हाइप को डिजर्व करता है या नहीं, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो हल्की सी मेरी नाक भी एलर्जी को रखी है आजकल परफ्यूम से, बट एनी वे आई कंटिन्यू। डज इट डिजर्व दी हाइप यार? इसके कॉम्पिटिशन में जो परफ्यूम है वो है ये अपना अरमाफ का क्लब दिन हुई। उसका भी अगर मैं स्मूथ वर्जन की बात करना चाहूँ तो मैं प्योर परफां की बात करूंगा। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आई थिंक यहां तक पहुंच चुका है ये। 150 ml है ये, दिस इज 120 ml एंड दिस कम्स अराउंड 2-2.5 थाउजेंड। दिस कम्स नियर अबाउट 3,500 से 4,000 के बीच में आपको किसी भी जेन्युइन सेलर से ये मिल जाएगा। इवन अंकुर भाई के पास भी ये मिल जाता है। इसका भी एक स्प्रे मार लेते हैं, ठीक है। इसका भी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लगता है। डिफरेंस इन द ओपनिंग इटसेल्फ आपको समझ आ जाएगा कि भाई हमीदी जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। हमीदी की जो स्टार्टिंग है ना, इसमें यार एक तो नोट्स भर भर के मेंशन्ड है, बट मैं इन जनरल समझा देता हूँ कि मुझे क्या समझ आता है इनमें। मुझे हमीदी के स्टार्ट होते ही एक सिट्रस ओपनिंग मिलती है। अब उस सिट्रस में मेंशन्ड बहुत कुछ है। अगर वैसे आपको फ्रेग्रांटिका पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको स्प्लैश फ्रेग्रेंसेस पे आई थिंक इसके नोट्स फिर भी मेंशन्ड, आई थिंक गौरव भाई ने मेंशन किए हुए हैं। स्प्लैश में मैं इसके नोट्स देख रहा था, यू विल फाइंड पाइनएप्पल, यू हैव बर्गमॉट, यू हैव एप्पल, यू हैव ब्लैक करंट, बट यार हमारी जैसी नोजेस को ना इतने नोट्स समझ नहीं आते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक ऑन नोट्स। मुझे लगता है लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिव्यूअर्स भी सारे नोट्स पिक नहीं कर पाते हैं। जो मैं बहुत ईजिली पिक कर सकता हूँ वो मुझे लगता है एक लेमन, जिस लेमन के अंदर ना इट्स नॉट अ वेरी शार्प लेमन, इट्स नॉट अ वेरी सिट्रस फॉरवर्ड लेमन, इट्स अ लेमन विच यू अंडरस्टैंड कि वो सिट्रस है लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक हल्का सा मिठास का बेस है। अब क्या वो पाइनएप्पल टाइप की मिठास है, ब्लैक करंट की मिठास है, एप्पल जूस की मिठास है, इतना उसको स्पेसिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल कह दिया जाता है कि इट्स अ पाइनएप्पल काइंड ऑफ ओपनिंग, बट मेरे हिसाब से इट इज अ सिट्रस ओपनिंग विद हल्का सा मिठास एट दी बैक ऑफ इट। जब मेरे पास ये परफ्यूम पहले दिन आया था ना, तो ये सिर्फ स्मोकी था, नथिंग एल्स। तो मैंने इसको सेटल होने को काफी टाइम दे दिया, एक महीना इज गुड इनफ फॉर दिस टू सेटल। वैसे भी ये वाटर बेस है। इमीडिएटली, ठीक है, विद इन 5 to 10 minutes आई वुड से ये शिफ्ट होने लग जाता है टुवर्ड्स इट्स ड्राई डाउन, ठीक है। तो ये अभी शिफ्ट हो रहा है, लेट्स सी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर। भाई ये तो ज्यादा आ भी नहीं रही, मुझे पता नहीं क्यों। दिस इज ऑल्सो आई थिंक मूविंग टूवर्ड्स दिस, इट्स ड्राई डाउन नाउ। इनकी ओपनिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा देर
मुझे कभी भी फील नहीं हुई है. आई थिंक ये मेरे पास 2021 से है, ये वाली बॉटल 2021 से ये मेरे पास है. इसको 8 महीने मैंने स्टैंडिंग में रखा था ताकि ये थोड़ा परफॉर्म करने लग जाए, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में बहुत बुरी थी. दिस इमिजिएटली मूव्स इट्स इनटू इट्स ड्राई डाउन. द ड्राई डाउन इज स्मोकी है, लेकिन स्मोकी से ज्यादा ये मुझे ना ओक मॉसी टाइप का ड्राई डाउन लगता है. डेफिनेटली बर्च स्टार आपको इसमें भी फील होगा, इसमें भी फील होगा. ये बर्च स्टार वाली स्मेल जो है ना बहुत हद तक सिमिलर है. हालांकि इस परफ्यूम को मैं इतना टाइम से यूज कर रहा हूँ, दिस इज वेरी स्मोकी. ये बहुत ज्यादा स्मोकी हो जाता है इन द ड्राई डाउन मेरे हिसाब से. जैसा ये ओपनिंग में आता है उससे बहुत डिफरेंट इसका ड्राई डाउन है. तो इसकी जो डेवलपमेंट है ऑन योर स्किन और ऑन योर क्लोथ्स, इट्स वेरी ब्यूटिफुल इन माई ओपिनियन. रही बात इसकी, तो ये अभी ऑलरेडी बर्च टारी वाले नोट और हल्का सा स्मोकी नोट में टर्न हो गया, बट देयर इज स्टिल सम मिठास टू इट. अब क्या ये मेरी नोज पिक करी, बिकॉज मेरी इतनी मच्योर नोज नहीं है, लेकिन आपको किस टाइप की फील आएगी मैं वो समझा रहा हूँ कि सिट्रस देन इट टर्न्स इनटू अ स्मोकी बिहेवियर, बट दैट स्मोकी बिहेवियर इज नॉट वेरी एशी टाइप का स्मोकी. इट इज स्मोक विद अ टच ऑफ हल्की सी स्वीटनेस देयर, एंड आई थिंक यही है इसका. ये मोटा मोटा इसी फेज के अराउंड रहता है. अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोजेक्शन वगैरह की, यार यहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कई पॉपुलर रिव्यूज से शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. इन माई एक्सपीरियंस मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन या लॉन्जेविटी नहीं मिली है. Could it be because ये अभी तक उतना ज़्यादा बैठा नहीं है शेल्फ पे? Maybe. I have no idea. I don't know ये exactly कितना पुराना बैच है, मैं ये जानता नहीं हूँ. I think इसका बॉक्स वहाँ कहीं रखा होगा, बट फिलहाल मुझे इससे कुछ खास प्रोजेक्शन वगैरह नहीं मिल रही है. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी विद दिस 2021 से. आई थिंक 20 में ही मैंने ये ले लिया था, मुझे याद नहीं. आई थिंक 20 की एंडिंग में शायद मैंने ये ले लिया था. मुझे इससे भी कुछ नहीं मिल रहा था यार. तो इसको मैंने कम से कम 8-9 महीने रखा, तब जाके अब ये परफॉर्म करता है, और अब ये भयंकर परफॉर्म करता है. दिस इजीली लास्ट ऑन माय क्लोथ्स लाइक एनीथिंग. कल मैंने एक स्वेटशर्ट लगाई थी, ये आज भी मुझे सुबह इसकी उस स्वेटशर्ट में आई थी. तो ये अगर मोटा कपड़ा है आपका तो ये 24 घंटे इजीली लास्ट कर रहा है आपको इजीली. लेकिन इसकी इवन आई वुड से प्रोजेक्शन भी मुझे इजीली अब 2 घंटे तो मिल ही जाती है. अच्छी सॉलिड प्रोजेक्शन 2 घंटे मिल जाती है. थोड़ा हैवी लगाना पड़ता है, बट अच्छी प्रोजेक्शन मिल जाती है, बिकॉज इसका नोज ब्लाइंड करने का फैक्टर बहुत हाई है. तो इसको मैं कभी भी गर्दन के आसपास नहीं लगाता हूँ. पहले लगाता था तो मुझे स्मेल ही नहीं आ रही थी 5 मिनट बाद. सो आई अप्लाइड हेयर, यहाँ कहीं इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा इस एरिया में बाजू के साइड पे अप्लाई कर दूंगा. इससे मुझे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी समझ आती है और मजा भी आता है, और इससे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे. लेकिन जब मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्स की, तो यार बात यह है कि इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं. कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत क्लोज है, स्पेशली कोई फीमेल अगर आपके क्लोज है, क्लोज फ्रेंड्स है, फैमिली में है, या आपकी बहनें वगैरह है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है. सिमिलर मेरे को अपनी क्लोज फ्रेंड्स या बहनों से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. इसको अभी मैंने किसी ऐसे इंसान के सामने नहीं लगाया, सो आई एम नॉट येट श्योर, बट आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग द राइट परफॉर्मेंस फ्रॉम इट येट. बट विद दैट बींग सेड, मुझे नहीं पता वाटर बेस्ड परफ्यूम्स में इवेंचुअली जो मैचुरेशन होती है वो किस तरीके से होती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा. मुझे लगता है मैं इसको 3-4 महीने बाद जब यूज़ करूंगा, होपफुली इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई होगी, और अगर ऐसा होगा तो मैं इसके ऊपर रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा. विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ वेरी चीप इन माय ओपिनियन. इसको वैसे भी खरीद सकते हो, 2-2.5 हज़ार का आता है. कभी भी एक्स्ट्रा पैसा हुए तो इसको खरीद लेना. लेकिन अगर तुम्हें लगता है यार अभी 2-2.5 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चने की, मतलब फजूल में खर्चने का मेरे पास नहीं है, तो 1.5 हज़ार या 2 हज़ार रुपये और जोड़ के ये ले लो, 150 ml भी आ जाएगा. बट फिलहाल इन दोनों को आपस में कंपेयर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. मुझे नहीं पता हर रिव्यूअर को कैसे इमीडिएटली जज कर पा रहा है, बिकॉज ये परफ्यूम जस्ट मार्केट में आया, इसको बैठे हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है शेल्फ में. तो मैं इसको थोड़ा बैठने दूंगा, उसके बाद आई थिंक इसकी जो सही परफॉर्मेंस है और इसके नोट्स हो सकता है थोड़े और अच्छे से खुलने लग जाए, जो इसके साथ हुआ. इसके नोट्स भी पहले नहीं अच्छे से खुलते थे, इवेंचुअली अच्छे से खुलने लग गए. ये भी हो सकता है कि मेरी नोज थोड़ी और मच्योर हो गई और परफ्यूम्स यूज़ करके, तो शायद अब मैं इसको बेहतर जज कर पा रहा हूँ. बट फिर मैं इसको भी अच्छा जज कर लेता, इसको मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ. दिस इज स्टिल वेरी बंदा हुआ. लेट्स गिव दिस
सम मोर टाइम एंड उसके बाद इसकी बेटर जजमेंट हो पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी हाइप बहुत ज्यादा अभी भी हो रही है, तो शायद ये इतना ज्यादा वैसे भी प्राइस में नहीं बढ़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू स्किप इट यू कैन स्किप इट, इफ यू वॉन्ट टू बाय कंप्लीटली योर चॉइस। मैं इसको हाइप फिलहाल नहीं करने वाला। थैंक यू सो मच।